क्वेश्चन नंबर कितना 18, क्या बोला है? एक्स वाई एंड जेड वेयर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग हुज बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2013 वाज एज अंडर, ये हमको बैलेंस शीट दे दिया है। फिर दिया है एक्स वाई रिटायर ऑन द डेट एंड इन दिस कनेक्शन इट वाज डिसाइडेड टू मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, क्या क्या एडजस्टमेंट डिसाइडेड किया गया है? टू रिड्यूस द स्टॉक एंड फर्नीचर बाई 5%, है ना, एंड 10%। स्टॉक और फर्नीचर का वैल्यू 5% और 10% से क्या करना है, घटाना है। टू प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर और 5% पीबीडीडी क्रिएट करना है। अ लॉन्ग डिस्प्यूट विद द क्रेडिटर वाज सेटल्ड एंड फर्म हैज़ टू पे 9050, है ना। बोला कि कंपनी के साथ एक क्रेडिटर का झगड़ा चल रहा था बहुत दिनों से, और अब जो है जाके सुलझ गया है, और अब डिसाइडेड हुआ है कि उसको 9050 रुपया पेड करना है। इन एंटिसिपेटेड 6000 हैव बीन ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर, जबकि उसमें से 6000 हम ऑलरेडी क्रेडिटर में लिख के रखे हुए हैं, तो एक्स्ट्रा कितना और लिखना पड़ेगा, 3050 का, है ना। फिर क्या बोला है, गुडविल वाज वैल्यूड एट 12000 और गुडविल का वैल्यू है 12000 टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3, और वो लोग डिसाइड किया कि वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, 5:3। वाई शुड बी पेड ऑफ, वाई का पेमेंट कर दिया जाएगा, एंड द इंटायर सम पेबल टू वाई, जो भी पेमेंट करना है किसको, वाई को, शैल बी बॉट इन बाई एक्स एंड जेड, एक्स और जेड को लेके आना पड़ेगा इन सच ए वे, ऐसे लेके आना पड़ेगा दैट देयर कैपिटल शुड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ताकि उन लोगों का कैपिटल जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कन्वर्ट हो जाए। सबसे पहले हम अपने क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन, है ना। रिवैल्यूएशन में क्या क्या है, टू स्टॉक है, है ना, टू फर्नीचर है, टू पीबीडीडी है, और टू क्रेडिटर है। एक बार बोलो, स्टॉक का वैल्यू कितना था, 26,500, और उसका 5% निकाले तो 3 ऐसे कुछ आएगा, उसका 10% फर्नीचर का 500, पीबीडीडी डेटर का कितना परसेंट, 1125, और क्रेडिटर जो है 3050। ये टोटल कर दिए तो हम लोग को लॉस आया, तो हम लोग इधर ही नहीं लिखेंगे, ठीक है, इधर ही हम लोग किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे, क्योंकि इधर तो मामा बाड़ी जाना नहीं है, है ना, तो हम लोग इधर का भी यूज़ करेंगे, क्लियर। बाई पार्टनर्स कैपिटल, है ना कृतिका, किधर लिखते बाबू, जिधर कम रहेगा उधर, ठीक है, सब नाना दादा चाचा के घर में नहीं करेंगे, कभी कभी हाँ नानी घर जाएंगे, ठीक है। 6000 तीनों पार्टनर को क्या करेंगे, 6000 को चूँकि रेशियो नहीं दिया है तो 1/3, 1/3 और 1/3, मैंने 2000 और 2000, एक्स वाई और जेड, चलेगा यहाँ तक, चलेगा यहाँ तक, आगे बढ़े, बढ़िए, क्या दिक्कत है, आगे बढ़िए, तुम लोग ऐसे चलिए चलिए आगे बढ़िए, है ना। ये क्या बना रहे हैं हम, चलो नाम तो सीखा कम से कम, बाय बैलेंस बी बाई डी, बेडी देखो कैपिटल कितना कितना दिया हुआ है, 20,000, 14,000 and 10,000, बाई पहले रिवैल्यूएशन को कर ले, 2000 ईच, ये सबसे अच्छा नाम है, एक्स वाई और जेड, चलेगा। बाई रिजर्व, कितना रिजर्व रखा था ये लोग, 2500 ईच, गुडविल कितना जनरेट किया है, 12,000, 4,000 ईच, फिर गुडविल को राइट ऑफ करेंगे ना, किस रेशियो में, तो 12,000 को 5:3 में क्या कर देंगे, बांट देंगे, 7,500, 4,500, क्या दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे करें कीजिए आपका मन, है ना। फिर हमको बोला है कि वाई जो है वही जीत करके बैठा हुआ है कि हमको आज ही का आज ही पैसा चाहिए, यानी कितना लगेगा तुमको, 19,000, कितना लगेगा,
19,000 ना। तो हम क्या बोले थे कि जितना पेमेंट करना है तो इस केस में क्या करेंगे, एक्स का, वाई का और जेड का तीनों का बैलेंस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, तो पहला वाई का तो बता दिए 19,000, इन दोनों को बता दो 17,000 और 10,000 है ना, 46,000 टोटल कैपिटल, और जो कि न्यू रेशियो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5:3 में, लिखेंगे टू बैलेंस सी डी कितना, 46,000 को 5:3 कितना कितना आएगा, 28,750 बोल रहे दो, बोलो 17,250। अब ये लोग क्या होगा, ये जो फिगर आया है ये डायरेक्ट आया है, मतलब कि इन लोग को 19,000 रुपया लाना था, कितना रुपया लाना था, क्योंकि बैंक से तो हम पैसा निकाल ही नहीं रहे हैं, बैंक में हम लोग सोचे भी नहीं कि बैंक से पैसा निकालना है, जो पैसा होगा ये लोग अपने घर से लेके आएगा, ये लोग मैंने पार्टनर्स कितना कितना लेके आया देखो तो एक बार, बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर 17 था 11,750, 10 था 7,250, दोनों को जोड़ो देखो 19,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 19,000 चलेगा। इसके बाद अपने क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट है ना, ट्राई करो एक बार, जिसका बैलेंस शीट नहीं मिला है वो एक बार देखेगा मेरे साथ, एक बार हम लोग हमेशा लायबिलिटी साइड से आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर, क्रेडिटर 18,240, इसके साथ ऐड कर देंगे रिवैल्यूएशन 3,050 है ना, फिर है तुम्हारा कैपिटल, कैपिटल जो है एक्स और जेड का है सिर्फ, वो भी कितना कितना 28,750 17,250, दोनों को ऐड करके 46,000 आएगा है ना, इसका आएगा 21,290। इधर देखा जाए तो कैश के साथ कुछ भी नहीं हुआ है, अगर हुआ भी है तो उसे मात्र एक सहयोग कहा जाएगा। देखो क्या 16,240 था, ये दोनों इतना इतना रुपया लाया और इसको इतना पेमेंट हो गया, तो अल्टीमेटली फिगर जो है 16,240 ही रहा, कोई चेंजेस नहीं है। डेटा के साथ कुछ हुआ था 1,125 है ना, तो लोग कभी कभी मेरे को पागल ही समझ लेता ना, बोलिए ना छोड़िए हटिए, कितना आया 21,375 क्या। उसके बाद क्या है, स्टॉक करोगे रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन करके अभी हम तुम्हारे लिए शॉर्टकट मार दे रहे हैं ठीक है, 26,500 था 1,325 कितना आया 25,175। तारपुरे फर्नीचर कितना, हाँ 5,000 उसमें माइनस कर देंगे 500 कितना बचा 4,000, मैच कर गया होगा शायद, ये क्या बन गया मेरा बैलेंस शीट है ना, इसको पार्टनर्स कैपिटल बोलेंगे। इसको हम प्यार से बैलेंस शीट बोलेंगे। फॉल कॉपी ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है ना, बोला है अजय, विकास और कमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2, 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2014 स्टूड एज फॉलो, क्या क्या दिया हुआ है मेरे को बैलेंस शीट में, और सिंडिकेटर है इतना का, ये सब लाइबिलिटी है, ये सब एसेट्स है। फिर देखो बोला विकास रिटायर्ड ऑन 1/4/2014 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, क्या क्या कंडीशन है, अ टाइपराइटर परचेज ऑन 1/10/2013, 1/10/2013 को एक टाइपराइटर खरीदा गया था 2000 का,
डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, कहाँ डेबिटेड करके रखा गया है, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट में, मतलब कि हम लोग कहीं ना कहीं इसको लिखना भूल गए थे, है ना, तो लिखना पड़ेगा, वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। फिर बोला है और उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना था 10% के बेसिस पे, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बिल्डिंग का वैल्यू जो है 75,000 हो गया, पहले था 50,000, अब हो गया 75,000, तो 25,000 से प्रॉफिट हो गया। फर्नीचर टू बी रिटर्न डाउन बाई 2,000, फर्नीचर का वैल्यू 2,000 से कम हो गया, और स्टॉक इज रीवैल्यूड टू 10,000, और स्टॉक का वैल्यू घट के हो गया है 2,000 पे, तो फर्नीचर का वैल्यू 2,000 से घट गया है और स्टॉक का वैल्यू 2,500 से घट गया है। पीबीटी कैलकुलेट करना है 5% पे, देखो डेटर दिया हुआ है 15,000, 15,000 का 5% निकालेंगे तो 750 होता है, कितना होता है 750, जबकि ऑलरेडी हम लोग का बना हुआ है कितना का पीबीटी 1500 का, तो मेरे को फायदा ही हो रहा है यहाँ पे। आ एक बार वैल्यूएशन पहले करें, बाय टाइपराइटर हमको कितना का टाइपराइटर मिला था 2000 का, आउट ऑफ विच डेप्रिसिएशन कितना हुआ है 100, कैसे 2000 का 10% 6/12 टू स्टॉक 2500 से रिड्यूस हो रहा है, टू फर्नीचर 2000 से रिड्यूस हो रहा है, बाय पीबीडीडी कितना से, पीबीडी 750 से, क्योंकि 50,000 का अगर हम 5% निकालते भी हैं 15,000 का 15,000 का, तो 750 हो रहा है, जबकि ऑलरेडी मेरे पास 1500 का पैलेंस था। और कुछ हुआ क्या, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का वैल्यू जो है वो गिर के आ गया है 7,500 पे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 500 और बाय बिल्डिंग 25,000। अब बता प्रॉफिट आएगा लॉस कितना का, पार्टनर्स कैपिटल 3 में बांट देंगे, किस रेशियो में, 3/6, 2/6 और कितना कितना होगा 11,325। हाँ, इसके बाद क्या बनाते अपने, पार्टनर्स कैपिटल बाय बैलेंस BYD BD कितना कितना है 40,000, 21,000 और 20,000। रिवैल्यूएशन क्रॉस पोस्टिंग होगा, बाय रिवैल्यूएशन, है ना, कितना कितना आएगा 113,257,550,3775। रिजर्व है क्या, बाय रिजर्व कितना का है 9,000, 6,000, 3,000। गुडविल है क्या, कितना का 9,000, 6,000 और न्यू रेशियो क्या है, तो 2 गुडविल 18,000 को 2:1, तो 12,000 कौन रिटायर हो रहा है, मिडिल वाला 12,000 और 6,000। बोला जो रिटायर्ड पार्टनर है ना, बोला अमाउंट ड्यू टू विकास इज टू बी ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट, है ना, जो विकास को ड्यू होगा वो उसके लोन अकाउंट में डाल दो, तो लिखो टू विकास लोन, ऐड करके लेस करके बता दो एक बार कितना आया, हाँ फिर से समझाओ 4,0,5,5,0, वो तुम बोल रही हो 4,0,5,5,0। अब बोला है कि इन दोनों का जो कैपिटल है ना, दैट विल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मेरे को,
दोनों का सीडी को वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा, है ना। एक बार बताओ फिगर कितना कितना आया था, 5-7। बोलो बोलो, सीडी दोनों का बताओ। पहले वाला 5-7, 3-5, 7-7-5। इसको रेशियो में बांट देना है 2:1 में। कितना आया, 5-4, 0-6-7, और ये 2-7-0-3-3, है ना। तो देखोगे एक पार्टनर जो है, सोचो इसका पहले लगा था 57,325, जबकि अब रखना है उसको 54,067। तो ये पैसा ले आएगा कि ले जाएगा, ले जाएगा। तो इसका 2 बैंक आएगा, बैंक है कि कैसे देख लो, बैंक है ना, तो 2 बैंक आएगा इसका, जबकि उसका 2 बैंक आएगा। क्लियर, इधर कॉपी करो पहले। एक बार बैलेंस शीट देख लो तुम लोग, थोड़ा सा मुंह बंद कर लो आशीष, मुंह बंद कर लो भाई, जड़े जब बांट दिए कैपिटल दोनों का 54067 और 27033, दोनों को जोड़ के कितना आ रहा था, 76। डबल वन डबल दिलो, फिर बितात लोन कितना भुगतान बोलो, 40 डबल 5। अच्छा इधर कैश एट बैंक, एक बार ऐड लेस करेंगे ना फिर भी वही फिगर आएगा। डेटर 15,000 लेस पीपीडीडी 750, 14,250। स्टॉक कितना था, 12,500 से 2,500 कम हो गया था। फर्नीचर 12,000 से 2,000 लेस हो गया था, 10,000। और क्या है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, था 500 लेस हो गया है रिवैल्यूएशन में, तो 7,500। ऑफिस इक्विपमेंट देखो, एक काम कर सकते हो ऑफिस इक्विपमेंट, अरे छोड़ो अलग से ही करो, 14,000 लिख दो। बिल्डिंग इंक्रीज हुआ था ना 50,000 से, 25,000 इंक्रीज हुआ था। हम लोग को टाइपराइटर मिला था एक, एक दिन रंजना को पलंग के नीचे बोले कि जाओ नीचे देखो तो कुछ छूटा है, तो उसको टाइपराइटर मिला था कितना का, लेकिन पुराना था इसलिए उस पर क्या चार्ज किए हम लोग, 100 का। तो कितना फिगर बच गया, अब दोनों साइड क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। एक फिगर कोई बताएगा कितना करके मैच, 134150, 134150। चलो कॉपी करो, अब खाना खा लो। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अविनाश विशाल और साहिल, वी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6, ऐसे करके प्रॉफिट शेयर करता है। फिर क्या बोला है कि साहिल रिटायर हो गया है कितना तारीख को, ऑन द अबव डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, गुडविल इज वैल्यूड एट 42,000 बट इट वॉज नॉट टू बी रिमेन इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म, द वैल्यू ऑफ पेटेंट्स टू बी रिड्यूस बाई 20%, पेटेंट का वैल्यू जो है 20% से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। एंड दैट द प्लांट ऑफ मशीनरी बाई 10%, और प्लांट ऑफ मशीनरी का वैल्यू 10% से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वॉज टू बी रेज टू 6%, और पीवीडीडी जो क्रिएट हो जाएगा वो कितना परसेंट से हो जाएगा, 6% से। फिर बोला है साहिल जो है इन्वेस्टमेंट लेके चला जा रहा है 17,800 में, ठीक है। लाइबिलिटी फॉर द अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वॉज ओनली 12,600, तो यहाँ पे 400 का प्रॉफिट हो रहा है। एक बार आओ
क्या क्या घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है, पेटेंट 20% से ना, तो टू पेटेंट कितना 1600 है ना। फिर क्या बोला है, प्लांट 10%, तो प्लांट कितना है 50,000, तो प्लांट का 10% 50,000 का 10% 500,000। फिर भी आप पीबीडीटी क्रिएट करना है 6% से, तो 40,000 का 6% न्यू पीबीडीटी 2400 हो रहा है, लेकिन उसमें से तो 1,000 घटा देंगे ना, तो 1400। साइड टू कवर द इन्वेस्टमेंट एंड वैल्यू ऑफ रुपीज 17,800, पहले था 16,000, बाय इन्वेस्टमेंट कितना से बढ़ गया 1800 से, ठीक है। और प्रोविडेंट फंड मेरे को 400 का फायदा हो रहा है 400। प्रॉफिट लॉस कितना आया, आंसर कितना है, हाँ ठीक है आएगा, वही आएगा जो हम बोल रहे हैं वही आएगा 5800। टू पार्टनर्स कैपिटल, अरे हम बता रहे क्या कर रहा है वो, एक्चुअली ये वाला 400 ना वो यहाँ पे डाल रहा है, एक ही बात है 5800 ना। रेशियो क्या है, 3:2:1/2, 1/3, 1/6 को तोड़ने आता है ना, तो 3/6, 2/6 और कितना आएगा 2700, 2900 इसका, हाँ 33 इसका, अरे भिखारी इसका बोलो ना, 967। पार्टनर्स कैपिटल खोलेंगे, बाय बैलेंस बीडी कितना कितना है 40, 30 और 20। फिर जाके ये रिवैल्यूएशन क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा, 2 revaluation 2900 1933 967। फिर क्या करना है, रिजर्व है, बाय रिजर्व फंड दिखा दिया कितना का 18,000, तो 9,000 6,000 और 3,000। गुडविल 42,000 ना, तो 21,000 14,000 और 7,000। न्यू रेशियो बोलो, टू गुडविल रेशियो बोला है कि नहीं, 3:2:1 था, न्यू 5:3। तो कौन रिटायर हो रहा है, साइन माने बीच वाला, लास्ट वाला, लास्ट वाला ना, 5:3 में बांटेंगे तो कितना आएगा 42,000 / बोल तो रहा है लोग, अरे क्या 3:2 नशा में है, पहले भी तो तुम ही बोल रहा था, हाँ 25,200 16,800। जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसके लायबिलिटी को लोन में डाल दो, 2 साहिल लोन है ना, और 2 balance sheet। अच्छा ये इन्वेस्टमेंट ले जाएगा ना, 2 investment कितना का ले जा रहा है 17,800 में, और जो बचा वो उसके यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिख दोगे, 2 balance C/D यहाँ पे निकालोगे, यहाँ पे निकालोगे, करो एक बार इतना, इसको पॉज करो, देखो एक बार बैलेंस शीट देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 का ना, सिंडिकेट कुछ हुआ है उसके साथ, सेम 70,000 प्रोविडेंट फंड 400 घट गया है ना 12,600। फिर क्या है,
रिजर्व फंड को हम लोग बांट दिए हैं, है ना, रिजर्व फंड को क्या किए हैं, बांट दिए। फिर क्या है, कैपिटल, कैपिटल का कितना कितना है बोलो तो, 41,900, 31,200, हाँ, इसका लोन क्या नाम है उसका, साहिल ना, ये किसका है, अविनाश का और विशाल का, और साहिल लोन कितना आया, 11,233। अच्छा, ये दोनों को जोड़ के कितना आया, 72,73,167, है ना। इधर आओ, कैश एट बैंक, बैंक से कुछ पैसा वैसा निकला है क्या, तो जस का तस लिख देंगे। फिर क्या था, डेटर, कुछ हुआ है क्या, 40,000 - 2,400 तो बचेगा कितना, सर 37,600 ना। स्टॉक के साथ कुछ नहीं हुआ है, 15,000 इन्वेस्टमेंट तो लेके चला गया, पेटेंट कम हो गया ना, 8,000 से हम 1,600 ऐसे ही लेस कर देना, तुम उससे ज़्यादा जाके करेगा आराम से, तो बेरोजगारी का परिचय तो आराम से करेगा। प्लान मशीनरी कुछ लिया है, डेप्रिसिएशन हुआ है ना, 50,000 से माइनस कर देंगे 5,000, तो 40, ये तुम्हारे दोनों साइड क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा।